का फायदा उठा रहे मेरा। पति ने मारपीट की क्या? पति ने भी की, सास ने भी की। हाथ हटाओ, रो नहीं। मेरे 2 साल के बच्चे को मेरे को मारना चाहते हैं लोग। पति का कोई दोस्त नहीं है? पति का भी है, पति भी पीट रहा था, सास भी पीट रही थी, और कह रहे थे कि इसको इतना मारो ये कभी आएगी। और हम अपने समाज की लड़की लाई है हमारे घर में। और आप कौन समाज से? मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। मेरा सुमित से कोर्ट मैरिज की थी मेरी, और ये सब चलते हुए अभी मेरे पति को समाज और परिवार दिख रहा है मेरा, और मेरे बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हैं, आए दिन मेरे साथ मारपीट करते हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार के कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित नजर नहीं आ रही है, इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। ताजा मामला चित्तौड़गढ़ से सामने आया, जिसमें पीड़ित विवाहिता को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग तक इसकी शिकायत दी जा चुकी है। गौरतलब है कि कांग्रेसी पार्षद की पत्नी काजल मीणा ने परिवारजनों पर मारपीट के आरोप लगाए। उसने रोते हुए बताया कि उसका पति सुमित मीणा सहित सास ससुर और देवर ने इस पर जानलेवा हमला किया। आरोपी सुमित मीणा वार्ड संख्या 34 से नगर परिषद में कांग्रेस से पार्षद है। घटना देर रात गांधीनगर क्षेत्र की है। पीड़िता का जिला राज्य के चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर निवासी काजल शर्मा, जिसका ससुराल गांधीनगर में है, काजल मीणा रात को गांधीनगर से अपने घर जा रही थी कि उसका पति कांग्रेस पार्टी का पार्षद सुमित मीणा, उसके 2 भाइयों, उसके सास ससुर और देवरानी ने त्रिपोलिया बालजी चौराहे के पास रास्ता रोककर जानलेवा हमला किया। हमले में काजल घायल हुई, जिसका सवालिया चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। काजल शर्मा ने कहा, मैंने सुमित मीणा से शादी की, शादी के बाद हमारा एक बच्चा है, लेकिन मेरे सास ससुर मेरे पति की दूसरी शादी कराना चाहते हैं, वो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कल मुझे जानकारी मिली कि मेरे सास ससुर मेरे पति की दूसरी शादी करा रहे हैं, तो मैं शादी रुकवाने के लिए मेरे पति के घर गई, जहां उन्होंने मुझे भगा दिया। मैं जब स्कूटी से मेरे घर जा रही थी, तो त्रिपोलिया बालजी चौराहे पर मुझे स्कूटी से गिराकर मुझे जान से मारने की नीयत से हमला किया। मेरी किसी ने मदद नहीं की। सुमित कांग्रेस पार्टी का पार्षद है, इसलिए पुलिस राजनीतिक दबाव के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। नव भारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। नाम काजल है, सुमित मीणा की वाइफ हूँ। कल रात को मेरे सुमित के किसी मिलने वाले का फोन आया था कि सुमित की कहीं शादी वादी करवा दी है, तो किसी और के साथ रह रहा है उसी के घर में। मैं परेशान पहले ही थी, काफ़ी टाइम से मैं परेशान हूँ, तो मैं अपने पति के लिए अपने गांधीनगर घर पर गई, जहाँ पर मेरी सास देवरानी ने झगड़ा किया, मेरे ससुर ने झगड़ा किया, और उनको धक्का देके भगा दिया कि सुमित यहाँ नहीं रहता और सुमित वहीं रहते हैं। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से लड़ाई झगड़ा होने के बाद निकली, तो रास्ते में मेरे देवर घर से निकल गए, मेरे से दोनों ने देवर ने और दोनों देवर अमित मीणा और निमूद मीणा ने मेरे साथ जानलेवा हमला किया, मेरे को मारा, मेरा मोबाइल छीन कर मेरे साथ बुरी तरह मारपीट करी। मैंने लोगों से भी हेल्प मांगी, तो किसी ने मेरी मदद नहीं करी। उन्होंने लोगों को भी धमका दिया कि तुम्हें भी हम मार देंगे, ये हम इस मामले में मत पड़ो। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर मेरी सास देवरानी, मेरे ससुर, ये सब आए, इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी स्त्री लज्जा भंग करने की कोशिश करी मेरे साथ में। मुझे चक्कर आ गए, मैं गिर गई, मुझे कुछ पता ही नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, और मेरे पति ने भी मेरे साथ मिलकर मारपीट करी। और मैंने इससे पहले भी कई रिपोर्ट दी है, पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं होती। सब मेरे को ऐसे बोलते हैं कि झूठ बोल रही है। कारण क्या है? मेरी सास सुमित्रा देवी और मेरे ससुर, वो मेरे पति को साथ में नहीं रहने दे रहे। मेरे पति आते हैं घर पर, मैं अलग रहती हूँ, और मेरी सास और मेरे ससुर मेरे पति को दबाव में रखकर मेरे बच्चे का और मेरा जीवन खराब करे। कोई ममता मीणा नाम की लड़की है, जिससे मेरे सास ससुर गुपचुप में उनकी शादी करवाने वाले हैं, और मेरी देवरानी ने भी मुझे यही बोला कि आप जैसे तैसे आपके पति को ले जाओ, हमको आपके पति की वजह से हमको भी परेशानी हो रही है। अब मैं अपने पति के पास जाती हूँ, तो इसमें मेरी कोई गलती हो तो बताओ सर। बात भी करते हैं, घर पे भी आते हैं, और मैं सामने जाती हूँ तो इस तरह की मारपीट करते हैं। कितना टाइम हो गया आपकी शादी? मेरी शादी को 2 साल हो गए सर। पियर कहाँ? मेरा पियर अमीरगढ़ है, भिलवाड़े का। मेरे 2 साल का बेटा है, वो मतलब
ये जो भी कर रहे हैं ना इनकी माता पिता ही कर रहे हैं, और दोनों मेरे देवरों को भी इन्होंने ही बोला इनको मार दे, हम तेरी जमानत करवा देंगे। आपके पति ने मारपीट की? मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे यहाँ पे कोई भी नहीं है।